साबी, मैं पूरा यकीन? हाँ, क्योंकि मैंने किसी एक से नहीं बल्कि उस पार्टी में आए हुए हर एक स्टूडेंट से पूछा और उन सबके हिसाब से बॉबी का बिहेवियर, उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम वियर्ड सा था, जैसे कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। अब उन्हें तो पता नहीं है, पर हमें तो पता है ना कि ये काम किसका हो सकता है। डायन का। धीरे बोलिए वरना सबको पता चल जाएगा कि हम डायन हंटर्स हैं। डोंट वरी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, सोचने की बात ये जरूर है, बॉबी के साथ जो कुछ भी हुआ वो अंश के घर में हुआ। डैड, आप कहना क्या चाहते हो? यही कि मुझे अंश पर शक है, उसमें कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है। जब भी उसे देखता हूं बड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। आई थिंक हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। अगर आपको उस पर शक है तो फिर देर किस बात की? वही करते हैं जो हमारा काम है। तुम शायद भूल रही हो, हम रीवा वंशी कभी भी शक के आधार पर कुछ नहीं करते, बल्कि तब तक कुछ नहीं करते जब तक हमें पूरा यकीन ना हो जाए। लेकिन इस शक को यकीन में बदलने का कोई तो तरीका होगा। है, तरीका है। एक्सक्यूज मी, आपका नाम भी है ना? हाँ। आपको प्रोफेसर निशांत ने अपने रूम में बुलाया है। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। He is angry. Come in. आपने बुलाया सर? तुम्हें जॉब चाहिए थी, समझो मिल गई। सच? लेकिन दो इंपॉर्टेंट रूल्स फॉलो करने होंगे थे। रूल नंबर वन, मैं जो कुछ भी कहूंगा तुम वही करोगी और सिर्फ वही करोगी। रूल नंबर टू, मुझसे कोई सवाल नहीं पूछोगे। मंजूर है? मुझे करना क्या होगा? मैंने क्या कहा था तुमसे? कोई सवाल नहीं। ओके सर। ये तुम्हारा पहला टास्क है। इस लड़के के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। पता लगाना है कि इस लड़के का रूटीन क्या है, स्केड्यूल क्या है, ये कहां जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिम। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम्हें इसके बारे में ऐसी कोई भी चीज पता चलती है जो तुम्हें लगता है नॉर्मल नहीं है, अजीब है, तो तुम सबसे पहले आकर मुझे भी बताओगे। इसी पर नजर रखनी होगी तुम्हें हर वक्त। अंश की जासूसी करनी है? कर पाओगे? यस सर। गुड। मैं कौन हूँ?